वेलकम टू सागर ग्रुप ऑफ एजुकेशन। इट इज नंबर वन कोचिंग क्लास इन घोड़ा सर किशनपुर फॉर आईसीएसई बोर्ड। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर टू ऑफ मैथमेटिक्स एक्सपोनेंट एंड पावर। ओके फेलोस, फर्स्ट थिंग हमारे माइंड में आती है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंट पावर, उसका हम बेसिक देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया x रेस टू m, राइट, वेयर x इज कॉल्ड बेस एंड m इज कॉल्ड पावर। x को आप बोलते हो बेस एंड m को बोलते हो पावर। Now just think करो कि आपको दिया है 2, so many times it is given 2, 2, 2 multiply with 2, multiply with 2, multiply with 2, multiply with 2, dash, 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 n time, how many times, n times, तो आप क्या लिखोगे इसको, 2 raised to n, क्या लिखोगे, 2 raised to n, because 2 is given multiple times, we can't count, for that, उसी के लिए हमने use किया है, exponent and power, just like some laws are there, which laws are very useful, laws का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, जो फॉर्मूला काफी यूजफुल है एक्सपोनेंट पावर चैप्टर के लिए। अगर आप फॉर्मूला लर्न कर लोगे यू कैन सॉल्व एनी सम। तो फर्स्ट विल प्रोसीड विद फॉर्मूलास। जस्ट लाइक फर्स्ट फॉर्मूला है x रेस टू m इनटू x रेस टू n। देखिए बच्चों, अगर बेस सेम है ना दोनों का, तो क्या करना है आपको, एक्सपोनेंट का एडिशन करना है। जस्ट लाइक x रेस टू m प्लस n, मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, एग्जांपल 2 रेस टू m एंड 2 रेस टू 7, राइट। So, आप देख सकते हो इसमें बेस सेम है, 2 raise to 5, 2 raise to 7, ठीक है। तो क्या करना है आपको, एक्सपोनेंट का एडिशन करना है, means 2 raise to 12, ओके। मल्टीप्लाई में आपको एडिशन करना है एक्सपोनेंट का। सेकंड देखो, अगर डिवीजन हो तो डिवीजन में क्या करोगे आप, बेस सेम होना चाहिए बच्चों। फर्स्ट थिंग इज बेस इज सेम, राइट, बेस सेम है तो क्या करेंगे, डिवीजन में माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस। सो x raise to m minus n, एक एग्जांपल आपको दिया है 2 raise to 7 divided by 2 raise to 5, ओके। देखिए बच्चों इसमें क्या है, डिवीजन है, सो व्हाट टू डू, 2 रेज टू 7 माइनस 5, सबट्रैक्शन करेंगे डिवीजन में, सो 2 स्क्वायर, ओके। एनीथिंग रेज टू 0, कोई भी बेस है अगर उसका एक्सपोनेंट 0 होता है, एनी एक्सपोनेंट, 1 लाख रेज टू 0, 2 लाख रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0, आंसर विल बी 1, ओके। अब आगे हम लॉ में आते हैं, नेक्स्ट लॉ है पावर ऑफ पावर, इसको बोलते हैं पावर ऑफ पावर रूल, व्हिच रूल, पावर ऑफ पावर, x रेज टू m रेज टू n, सो इट विल बी x रेज टू m n, ओके। एग्जाम्पल आपको दिया है मैंने 2 स्क्वायर क्यूब, सो पावर ऑफ पावर, पावर 2 है उसका भी पावर, राइट, तो ये आपका हो जाएगा 2 रेस टू 6। नेक्स्ट लॉ देखिए बच्चों, x रेस टू माइनस m, अगर एक्सपोनेंट माइनस में होता है तो क्या करना है, राइट, ओके, क्या करना है, जस्ट लाइक माइनस में बिकम डिनोमिनेटर, नीचे आ जाएगा 1 अपॉन x रेस टू m, जस्ट लाइक देखिए एग्जाम्पल है 2 रेस टू माइनस 7, तो 2 रेस टू 7 नीचे आ गया पॉजिटिव हो जाएगा। अगर सेम चीज अगर ये नेगेटिव होती तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती, वाइस वर्सा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, x रेज़ टू m, x रेज़ टू n, राइट, सो इफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एक्सपोनेंट इज मोर देन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एक्सपोनेंट इज मोर देन न्यूमरेटर, जैसे कि हम समझो यहां पे आपका 7 है, ये एक्सपोनेंट क्या है, न्यूमरेटर ज्यादा है, सो न्यूमरेटर एक्सपोनेंट विल कम डाउन साइड एंड इट विल बी सबट्रैक्ट, मींस x रेज़ टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन x रेज़ टू 5। So children, these are the basic formulas of power and exponent, which will be very helpful to you. Now we'll proceed with some sums, so you can understand better. Children, now we'll proceed with the sums, as I taught you formulas. Ab formula ka use hum sum mein kaise karenge? Very easy way I will teach, so it will remember till your exam. Now dekhiye bachcho, 4 raised to minus 3 is given. 4 raised to minus 3 diya hai. As I told, exponent minus 9, kya karenge? Humne abhi formula dekha tha. It will come downside, ठीक है? क्या होगा, बेस आपका नीचे आ जाएगा, सो यू कैन डू अहेड 1 अपॉन 4 इनटू 4 इनटू 4, दैट मींस व्हाट, 1 अपॉन 4 फोर इज 16, 16 फोर इज 64, वेरी इजी। क्या क्या बच्चों, नथिंग, एक्सपोनेंट माइनस में था, डिनोमिनेटर बन गया 4 रेज़ टू 3, 4 कितनी बार है, 3 बार, 4 इनटू 4 इनटू 4, अब देखो बच्चों 4 फोर इज 16, 16 फोर इज 64, दैट्स ऑल, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देखो बच्चों, 1 by 2 raise to minus 5, अगर exponent minus में तो क्या करेंगे आप, you can do reciprocal, जिसे आपने यहाँ पे किया, so what it will be, 2 by 1 raise to 5, क्या हो जाएगा, 2 by 1 raise to 5, that means 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 का मतलब तो 1 ही होता है, now 2 को multiply करना है 5 है, 2 2's are 4, 4 2's are 8, 8 2's are 16, 16 2's are 32, अब आंसर क्या आएगा बच्चों, 32। वन सेकेंड देखो सम, 1 by 2 raise to minus 5 था,
ठीक है, एक्सपोनेंट माइनस में दैट मींस क्या, हम उसको रेसिप्रोकल करते हैं, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होना चाहिए, ठीक है। सो ये न्यूमरेटर इज 1 एंड डिनोमिनेटर इज 2, हमने इसको रेसिप्रोकल किया तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। याद रखो रेसिप्रोकल करेंगे तो एक्सपोनेंट हो जाएगा पॉजिटिव, राइट। तो 2 कितनी बार है, 5 टाइम, 1 2 3 4 5 तो मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, डाउनसाइड 1 इज देयर, 1 का वैल्यू 1 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है और एक्सपोनेंट माइनस है, तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जब भी करोगे तब क्या होगा बच्चों, आपका पावर जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। अब हम यहां पे सॉल्व करते हैं, 4 बाय 5 का हुआ 5 बाय 4, एक्सपोनेंट क्या था आपका माइनस 3, माइनस 3 क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 3। नाउ सी हाउ मेनी टाइम इट इज देयर, 3 टाइम, तो ऊपर 3 टाइम लिखो, 5 × 5 × 5 अपॉन 4 × 4 × 4, ठीक है बच्चों। अब मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, एंड डिनोमिनेटर 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, वेरी इजी, ठीक है। वन सेकेंड देखो बच्चों, हमने क्या किया, 4 बाय 5 रेस टू माइनस 3 था, एक्सपोनेंट माइनस में है, सो व्हाट ट्रू, हमने एकदम इजी वे में किया, हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। 4 बाय 5 की जगह 5 बाय 4, सो माइनस 3 क्या हो गया, प्लस 3, देन 5 हाउ मेनी टाइम, 3 टाइम, 4 3 टाइम, मल्टीप्लाई किया हमने, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और डाउन साइड 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, सेम थिंग, माइनस 4 इधर क्या करेंगे यहां पे, माइनस 1 अपॉन 3 रेस टू 4, ओके, माइनस का हमने क्या किया इसको, बिकॉज एवरी नंबर हैविंग वन डिनोमिनेटर, याद रखो बच्चों, कोई भी नंबर हो, जैसे कि यहां पे 5 लिखा है, राइट, तो हर नंबर का वन डिनोमिनेटर होता है, दैट मींस ये होता है 5 बाय 1, ओके, एवरी नंबर हैविंग वन डिनोमिनेटर, सेम थिंग यहां पे, माइनस 3 का मतलब क्या होता है, माइनस 3 बाय 1 हुआ, ठीक है, रेस टू माइनस 4 हमने रेसिप्रोकल किया तो माइनस 1 बाय 3 आ गया, राइट। अब चलो रखो बच्चों, यहां पे क्या करेंगे हम, माइनस 1 हाउ मेनी टाइम, 4 टाइम, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, डाउन साइड 3, 1 3 2 3 3 3 एंड 4 टाइम 3, ओके, सी 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, ओके, सो व्हाट विल कम 1, एंड हियर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 7 3 जा 81, एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विद यू, देखो बच्चों, इफ एनीथिंग इज देयर माइनस 1, अगर माइनस 1 है, राइट, और एक्सपोनेंट है आपका 2 4 6 8 और 0, ठीक है, एक्सपोनेंट आपका 2 4 6 8 0 है, तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा आपका, प्लस 1, क्या आएगा, प्लस 1। हाउ, देखो मैं आपको बताता हूं, माइनस 1 स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, माइनस 1 इंटू माइनस 1, और आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 1, राइट। सेम थिंग, अगर आपका एक्सपोनेंट दिया है 1 3 5 7 एंड 9, तो आंसर आपका आएगा माइनस 1। ये चीज आपको याद रखनी शॉर्ट में, अगर आपका बेस माइनस है और एक्सपोनेंट दिया है आपको 2 4 6 8 0, राइट, 2 4 x 6 8 0, तो आंसर ऑलवेज आपका प्लस ही आएगा, ठीक है। अगर आपका बेस माइनस है और एक्सपोनेंट आपको दिया है 1 3 5 7 9 व्हिच नंबर ऑड नंबर, तो आपका आंसर ऑलवेज माइनस ही आएगा, इवन नंबर आंसर प्लस, ऑड नंबर आंसर माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, यहां पे आप क्या दिया है, माइनस 2 बाय 3 रेस टू माइनस 5, रेस टू माइनस 5 को पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे, राइट, पॉजिटिव करने के लिए इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, लेकिन साइन सेम रहेगा, तो व्हाट विल कम हियर, 3 बाय 2, देखो बच्चों 2 बाय 3 की जगह क्या हो रहा है, 3 बाय 2, एक्सपोनेंट आपका प्लस हो जाएगा। कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना है, याद रखो क्या करना है, माइनस 2 बाय 3 रेस टू माइनस 5 था, अभी हमने आपको बताया, क्या बताया आपको, जस्ट लाइक अगर ये साइन हमको रिमूव करना है तो इसको रेसिप्रोकल करते हैं, हमने रेसिप्रोकल किया, माइनस 3 बाय 2 हुआ, दिस साइन चेंज, माइनस की जगह क्या होगी, प्लस साइन होगी, लेकिन साइन अंदर भी एक माइनस है तो माइनस सेम का सेम ही रहेगा, राइट। बाकी सॉल्व करो, माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3, नीचे है आपका 2 2 2 2 2, अब 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, कितना होता है 243, सो माइनस 243 अपॉन 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32,
-2/3 अपॉन 32। एक बार फिर से ये सम थोड़ा कंफ्यूजन आपको होगा, तो मैं सॉल्व कराना चाहता हूँ। -2/3 रेस टू -5 दिया, राइट। सो एज हमने अभी पहले भी बताया काफी समय, देखो माइनस था तो हमने रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस हमने रेसिप्रोकल किया, यहाँ पे हुआ -3/5, अंदर का साइन तो सेम का सेम ही रहना है, राइट, खाली ऊपर का हमने रेसिप्रोकल किया है। सो -3/5 तो आपको 3 का टेबल नहीं काउंट करना है, डोंट डू लाइक दैट कि 3 1 3 3 2 6 3 9 3 9 4 5, ऐसे नहीं करना है बच्चों, इसमें हमको नंबर टू नंबर मल्टीप्लाई करना है, याद रखना। तो 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243, सेम ही चीज़, 2 का टेबल नहीं काउंट करना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं तो हमें 10 लिख दो, कैसे 2 1 2 2 4 3 6 4 8 5 10, हमको 2 को मल्टीपल करना है, कैसे और अब इसी तरह से हमारे रेगुलर ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, दैट इज सागर ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऐप। सो आप उसको प्ले स्टोर पर जाके या iOS से कहीं भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, बट फॉर अ इजी वे हमने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो इफ यू क्लिक दैट यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ एंड ऑल्सो यू कैन अटेंड अवर ऑनलाइन लेक्चर्स एंड इट इज डिजाइंड स्पेशली फॉर ICSE किड्स। And for further inquiries, you can contact us on the given number in the description. So that if you have any query regarding to online lectures or our app, you can query us 24/7. Thank you for watching this video. Please like, share, comment, and please subscribe our channel so that you can get information about our next video. Thank you.